एवरीवन, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अनुज किचन ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि हमें कहीं जाना है, कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के लिए मैंने कुछ कपड़े वगैरह खरीदे थे, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं बताना भूल गई थी कि मेरे हस्बैंड वो गए हैं 2-3 दिन के लिए इवेंट्स में, तो वो मतलब 2-3 दिन से मैं ब्लॉग भी इसलिए नहीं शेयर कर पा रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था। तो वो भी आज आ जाएंगे और आज मेरी देवरानी भी आई हुई है, तो थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ मैं भी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा विद बेल बटन। तो चलिए फिर दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग। मुझे अब जाके टाइम मिला है कि मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ, क्योंकि कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था, क्योंकि कल मेरा कोई मतलब टाइम नहीं लगा था, या फिर ये कह लीजिए मन भी नहीं किया था कल वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी। और आज मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ अपनी जो भी मैंने छोटी मोटी शॉपिंग की थी वही। और जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोगों को जाना है कहीं पर, तो वही मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में शॉपिंग अपनी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो जैसे मैंने बताया था कि येलो कलर मस्ट है उसमें, कि येलो कलर का होना ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ अपने लिए मैंने क्या ख़रीदा था। मैंने ख़रीदी अपने लिए कुर्ती, और इस पर इस तरह से देख लीजिए, इस पर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है ये रखी, और ये पूरी कुर्ती मतलब इसी तरह से है। तो मैं अपनी ये वाली कुर्ती लेकर आई थी, तो ये कैसी लगी आप लोग बताना मुझे ज़रूर। तो इसके मैं प्राइस बता देती हूँ, लोकल मार्केट से ही मैंने अपने परचेस की है, मैंने ऑनलाइन नहीं ख़रीदी है। तो ये मुझे 550 की पड़ी है, और ये कॉटन की है, प्योर कॉटन है इस पर, और इस पर वर्क हो रखा है थ्रेड से, और बहुत सुंदर लग रही थी ये कुर्ती। और इसके साथ मैचिंग करने के लिए मैं लेके आई हूँ रेड कलर की, ये कम्फर्ट है, और ये कम्फर्ट ना लैगी से अलग होता है। लैगी होती है ना, वो चिपकी चिपकी रहती है पैरों में, लेकिन ये कम्फर्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा होता है। लैगी तो जैसे चिपकी चिपकी रहती है पैरों में, और अगर आप लैगी पहनते हो तो लैगी से कुछ अलग पहनना चाहते हो तो ये कम्फर्ट आप ट्राई कर सकती हो। क्योंकि मैं अभी पहने बैठी हूँ जस्ट वाइट कलर का, तो पहले मैं वाइट ही लेकर आई थी केवल, और अभी मैं ये लेकर आई हूँ रेड कलर का कम्फर्ट। और ये ना नीचे से थोड़ा सा ना मोरीज की थोड़ी चौड़ी होती है, और उसमें चुन्नटें नहीं पड़ती हैं, बिल्कुल अलग होता है। तो ये था कम्फर्ट, और अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ये वाला ले सकते हो कम्फर्ट, ये कम्फर्ट लेडी प्लस ये है। और ये ना ब्रांडेड ही लेना जब भी कभी आप लो तो, क्योंकि ये ब्रांडेड ही कम्फर्ट रहता है बहुत ज़्यादा। और इसकी रेंज में बात करूँ तो ये 400 का मुझे पड़ा है। लेगी आपको 150 से 200 रुपये में, 250 रुपये में मिल जाती है मोस्टली, और बहुत से ज़्यादा 300 रुपये में, लेकिन ये कम्फर्ट 400 से स्टार्टिंग है इसकी। तो ये जो है मेरा कंफर्ट है एक। नेक्स्ट में बात करूँ तो ये टी शर्ट ली है मैंने अपनी बेटी के लिए, ये छोटी वाली बेटी के लिए ली है, येलो कलर की टी शर्ट। तो ये है एक बड़ी बेटी के लिए मेरी येलो कलर की टी शर्ट। और दिखाती हूँ मैं, ये लिया है मैंने सनी के लिए येलो कलर टी शर्ट, और एक मैंने ली थी ये साड़ी, क्योंकि जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पे ना माता रानी को चढ़ानी होती है ये साड़ी, तो ये साड़ी ली है एक। तो ये येलो कलर की ही ले ली थी मैंने साड़ी भी चढ़ानी थी। और दो बनियान लिए थे मैंने सनी के, ये वाले वाइट कलर में जो कि नीचे पहनने वाले होते हैं, इसके छोटे हो रखे थे। और दो लिए थे मैंने ये बनियान कलरफुल वाले, जैसे अब गर्मी आ रही है ना तो गर्मियों में खाली बनियान भी डाल दो बच्चों को। तो ये ओनली 50-50 रुपीज़ के मुझे मिल गए थे, तो दो लिए थे मैंने ये। एक ब्लू कलर है और एक ग्रीन, और एक लिया था मैंने सनी के लिए वाली टी शर्ट। और दो लिए थे मैंने हैंकी इनके लिए। और पता है मेरी ना दौरानी आई हुई है, और आज ही आई थी वो जस्ट, तो
दो चीज़ें वो लेकर आई थी सनी के लिए, वो भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो वो लेकर आई थी, ये टी शर्ट है सनी के लिए, ये भी येलो कलर में ही है आगे। तो इस पे ना बैक में भी इस तरह से डिजाइन बना हुआ है। तो यहाँ पे एक तो ये थी टी शर्ट सनी की, और एक थी ये नाइट सूट है, ये पूरा ये नाइट सूट है सनी का। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा ये नाइट सूट पूरा, इसके साथ पजामी है। और पता है कल ना हमारे यहाँ गली में ना एक बेडशीट बेचने वाला आया था, तो मैंने ना उससे एक बेडशीट खरीदी थी। तो ये है वो बेडशीट, तो ये वाली जो बेडशीट है ये मतलब प्रिंट पूरी बेडशीट पर इस तरह से प्रिंट बना हुआ है ये, और सिर्फ ये बॉर्डर है, छोटा सा ये बॉर्डर है किनारी पे, बाकी पूरी बेडशीट ऐसी प्रिंटेड है ये। और इसके में फैब्रिक की बात करूँ तो ये प्योर कॉटन है, और इसके साथ मुझे दो पिलो कवर भी ही रिसीव हुए हैं, दो पिलो कवर हैं। और इसके प्राइस आप सुनोगे ना, ओनली 250 रुपीज़ में मैंने ये ली है, ओनली 250 रुपीज़ में, गली में से ही ली थी। और ये मैंने बिछाने के लिए पर्पज़ से नहीं ली थी, ये मैंने ओढ़ने के पर्पज़ से ली थी, क्योंकि इसका फैब्रिक ना बहुत ही हल्का है, कॉटन है हल्की वाली, जो कि अब गर्मी आ रही है ना, गर्मियों में ओढ़ने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है इसलिए। तो ये है बेडशीट, तो आप लोग बताना मुझे कैसी लगी। और एक बेडशीट मैंने ली है, ये सिंगल की बेडशीट है ये वाली, और ये कॉटन है, ये ओढ़ने के पर्पज़ से है ये भी, लेकिन मैंने ये ओढ़ने के पर्पज़ से बिल्कुल नहीं ली है सच बताऊँ मैं, ये मैंने ली है एम्ब्रॉयडरी या फिर पेंटिंग वगैरह करने के हिसाब से, क्योंकि मुझे आपको पता है क्राफ्टिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस पर कुछ एम्ब्रॉयडरी करके या कुछ ऐसा बेडशीट बनाऊँ बिछाने के पर्पज़ से, तो देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि घर में ना कुछ चीज़ें रखी रहती हैं, तो कभी भी मन करे तो बना लो कुछ भी, तो ये इसलिए ली है। और ये केवल 100 रुपीज़ में ली है मैंने बेडशीट, सिंगल बेडशीट है ये, और ये भी अच्छा है, कॉटन है, प्योर कॉटन है ये कपड़े की। तो इसमें कलरफुल थी, मतलब पिंक कलर था, पीच कलर था, ये क्रीम कलर था, कई कलर थे इसमें, लेकिन मैंने ये कलर लिया था। तो आप लोग मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कैसी लगी आपको मेरी ये शॉपिंग। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें विद बेल बटन, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तो बाय बाय, टेक केयर।